ठीक है। आज 31 दिसंबर है, यानी 2011 का आखिरी दिन। इस साल को अलविदा कहने लोग जहां जो है बहुत सारे पर्यटन स्थल पर गए हुए हैं वहां पर, वहीं प्रदेश के मुखिया जो है डॉक्टर रमन सिंह जी, वो अपने गृह जिले के एक ऐसे गांव में आए हैं आदिवासी, जहां की बहुलियता है, और यहां पर आदिवासियों के साथ बैठ करके वो जो है भोजन करें। इस वक्त मुख्यमंत्री हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताएंगे, 31 जो होता है 31 दिसंबर, लोग जो है पर्यटन स्थल जाते हैं, धार्मिक स्थल जाते हैं, आप आदिवासियों के बीच में आए हैं, क्या इसकी वजह? ये इलाका और ये क्षेत्र जहाँ बैठे हैं हम लोग लरबक्की, ये बहुआ बैगा बाहुल्य क्षेत्र है, और मैं यहाँ 10 साल विधायक के नाते और उसके पहले बाद में सांसद के नाते और संगठन में काम करने के नाते बहुत नज़दीक से मेरा राजनीतिक शुरुआत यदि हुई है तो इस पूरे बोर्डा ब्लॉक के गांव में, और ख़ास तौर से तरेगांव, दलदली, सुखझर से लेकर लरबक्की और इस पूरे क्षेत्र में संपर्क रहा है। मुझे लगा कि साल का आखिरी दिन इनके साथ रहें और इनके साथ बैठ के दोपहर का भोजन करें, और आज कुछ इस क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, जैसे तरेगांव से लेकर चरण तीर्थ तक 7 करोड़ की लागत का एक सड़क का निर्माण की शुरुआत हुई है, उसको भी देखना था, और यहाँ के आश्रम में बच्चों के साथ बैठ के और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ जो समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि साल का आखिरी दिन इससे बेहतर मेरे लिए नहीं हो सकता था कि परिवार सहित हम आज ऐसे लोगों के बीच में हैं जो बहुत ही निश्चल हैं, बहुत आशीर्वाद इनका मिला है, और मुझसे कम से कम मेरे राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से जो मुझे आशीर्वाद देते रहे, तो इनका आशीर्वाद जरूरी रहता है, और आज बहुत अच्छा लगा कि फिर से एक बार लरबक्की में बैठ के इनके साथ साल का आखिरी दिन का सबसे अच्छा समय बिता रहा हूँ। बैगा जनजाति जो होती है, जो 5 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है अपने छत्तीसगढ़ में, उनमें से एक है, तो आदिवासियों के लिए आपने जो है 32% आरक्षण जो किया है, आपको लगता है कि उसमें जो है कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए भी कुछ प्रतिशत आरक्षण इनको दिया जाना चाहिए? क्योंकि अभी तो शिक्षाकर्मी वाला एक तो जो है चल रहा है आपका स्कीम, जिसमें डायरेक्ट शिक्षाकर्मी बनाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ और आरक्षण के बारे में सोच रहे हैं? जो प्रिविटी ट्राइब्स है, बैगा हैं, कमार हैं, माड़ियाज हैं, उनके लिए तो आरक्षण से हटकर यदि उन्होंने 12वीं पास कर लिया तो बिना कंपटीशन के उनको हम शिक्षाकर्मी में भर्ती करते हैं, कमाल लोग करते हैं, तो उन टाइप्स को करता है। अब 32% आरक्षण एक अपने आप में बड़ा कदम है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सरकारी नौकरियों में जो प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश के समय जो था उससे एक बड़ा जंप हुआ है। साल 2011 जो है राज्य सरकार के लिए आपको क्या लगता है, प्रदेशवासियों के लिए ऐसी कौन सी सौगात दी है जिसके लिए 2011 को याद रखें जनता? 2011 हमारे इस पूरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण साल इसलिए भी होगा कि बहुत महत्वपूर्ण लोक सेवकों के लिए जो विधेयक आया है और सर्विस के लिए, तो लोक सेवा विधेयक जो है उसमें करीब करीब 18 से 20 अलग अलग विभागों के 70 से 80 सेवाओं में अब अधिकारियों की जवाबदेही रहेगी, फॉरेस्ट का हो, रेवेन्यू का हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, नक्शा खसरा हो, B1 का लेना है, दूसरा गौ वंश के बचाने के लिए जो परिवहन के लिए और एक नया एक्ट लेके आए हैं वो काफ़ी सख्त है, उसमें राजसाद भी करने का प्रावधान है, ज़्यादा उसमें जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है, एक आरक्षण का काफ़ी दिनों से लंबित था वो भी मामला पूरा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे 2011 की उपलब्धि रहेगी उसमें 9 जिले का निर्माण हम 1 जनवरी से करने जा रहे हैं, तो किसी सरकार के या पूरे कार्यकाल के 8 साल में एक बड़ा स्टेप हुआ है, 1 जनवरी से 9 जिले फंक्शनल हो जाएंगे और एक जंप हो जाएगा विकास के लिए, एक बड़ी छलांग हो जाएगी। एक सवाल जो है लगातार उठता रहा है कि जो है प्रशासनिक कसावट जो है पिछले कुछ सालों से जो है देखा नहीं जा रहा है, उस पर जो है क्या 2012 में विशेष ध्यान दिया जाएगा कि प्रशासनिक कसावट हो, जनता नाराज ना हो? प्रशासनिक कसावट की मतलब जवाबदेही होगा, अब हमने कहा ना कि छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारियों की कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो जाएगी, 15 दिन में यदि उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उसको पेनल्टी होगा, अधिकारियों को उसको पैसा देने की उसको पेनल्टी लगेगा। नए साल के लिए लोगों को क्या अपील? नए साल के लिए ढेर मेरी शुभकामना है कि छत्तीसगढ़ विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़े, और पूरे देशवासियों को और विशेष तौर से छत्तीसगढ़ वासियों को नए वर्ष मंगलमय हो, नए जिले जो बन रहे हैं वहाँ भी विकास में तेजी आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि जो है 31st मनाने के लिए अपने गृह जिला में पहुँचे हुए हैं। इन्होंने जो है प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। शशांक तिवारी, जी 24 घंटे, छत्तीसगढ़, कवर्धा।